आज हमारे चैनल पर विरहा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सादर जय भी। सर, मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, आप 3 दिन पहले आप एक बयान दिए थे जो अखिलेश यादव जी का पुतला दहन हो रहा था उस पर। अच्छा। कि अखिलेश यादव जी 100% जो बात कहें वो सत्य है, ये बात हमने कहा था। जी, आप कहे थे सर। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एक बात और लोग उसमें जोड़ दिए हैं कि अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी राम भक्तों पर गोली चलवाए थे। अच्छा। कार सेवकों पर। अच्छा। तो ये भी बात काफ़ी चर्चा में चल रही है इस समय, तो इस पर आपका क्या विचार है सर, मैं जानना चाहता हूँ। बड़ा सही सही सवाल खोजते हो भैया। जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। जी, कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाए थे। जी, नेताजी देश के संविधान और देश के कानून और देश के शानदार लोकतंत्र की हिफाजत में जो कारीगरी उन्होंने किया था जी, अब तक ही पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया। इस चीज को समझिए। शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं जानता हूँ उस समय ये सन 88 का मामला है जी। 88-89 में तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, जनता दल थी, और जनता दल से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने जी। उत्तर प्रदेश से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने जी, और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी बने थे जी। तो उस समय एक मुद्दा छाया हुआ था जी, अधिकार का मुद्दा। पिछड़े समाज या SC ST OBC के अधिकार का मुद्दा छाया था, मंडल कमीशन वाला जी। तो जब मंडल की बात इन लोगों ने किया जी, ये जो अखिलेश यादव का पुतला दहन किए थे जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ हमको, ये तो सवाल का जवाब नहीं देते, भागते हैं जी, कि अगर हिंदू हम भी हैं तो हमें बार बार अधिकार विहीन भाई क्यों रख रहे हो जी, ये कौन सा हिंदुत्व है। तो जब मंडल कमीशन की बात उठी जी, उस समय शीर्ष लीडरों में लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे। अटल जी तो नहीं है जी, आडवाणी जी अभी हैं जी। तो जब मंडल कमीशन का मुद्दा तेज हुआ और इन लोगों को पता चल गया जी, जो हिंदूवादी संगठन है, कि अब अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूर्ण रूप से जी आ गई तो इस देश के 52% OBC समाज को पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाएगा जी। तो आडवाणी जी कहे कि अगर आप मंडल की बात करेंगे तब हम कमंडल की बात करेंगे जी। मंडल की बात दबी नहीं, आडवाणी जी कमंडल लेकर के निकल पड़े जी। मंडल और कमंडल में जब टक्कर हुआ जी, तो पूरे भारत में खरमंडल मचा। आडवाणी जी को समस्तीपुर में माननीय लालू यादव जी अरेस्ट करवा दिए जी, और उत्तर प्रदेश की सीमा को माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव सील करवा करके जी, तीन दिन पहले नेताजी अपडेट तो मुझे ध्यान में था, अपडेट नहीं है, लेकिन ये 89 का मामला है जी। नेताजी अपील किए थे टेलीविजन पर आकर कि मैं भारत के 85 मूल निवासी समाज के सभी सम्मानित साथियों से अपील करता हूँ कि कृपया आप अयोध्या न आए, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो देश के संविधान और कानून की हिफाजत करने में हम असक्षम नहीं हैं जी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान पर
और देश के कानून पर आंच आ जाएगी ये मुलायम सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा बयान था, मैं सुना था। उस समय मैं चंडीगढ़ में था जी, छोटा तो मैं भी था, लेकिन बात समझने की सोचन क्षमता तथागत की अनुकंपा से बहुत पहले से मुझे हो गई जी। तो नेताजी ने इस बयान को दिया, अब कार सेवकों पर गोली चली जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ की, बताओ हमें, रिपोर्ट निकलवाओ कौन कार सेवकाओं में देश का सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज को कितनी गोली लगी। नेताजी कहे थे कि हम देश के संविधान पर देश की कानून की हिफाजत में किसी भी हद से गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे, लेकिन देश की कानून को हम हिलने नहीं देंगे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को हैसियत में रखा जाएगा, देश के कानून के साथ किसी को मजाक नहीं करना दिया जाएगा, नेताजी की भाषा थी, नेताजी कहे थे। ये लोग नहीं माने, वहां पहुंचे, अब नेताजी उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो वहाँ मंदिर रहेगी कि मस्जिद रहेगा क्या रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट और संविधान के नियमों का पालन करे जी। ये बताए हमें भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है, वो बताए हमें किसानों पर गोली क्यों चलवाए, किसानों पर कार क्यों चढ़वाए, कौन सा गुनाह किसानों ने किया था, दिल्ली में 700 किसान मर गए, कौन सी गलती वो किसान किए थे, बताओ पहले इस बात को, तब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठाओ। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो देश को इस आग में झोंक दिया जाता, अगर देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है, धर्म निरपेक्ष है, संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले सारे समुदाय, सारे धर्म, सारे विचारधारा के लोगों का सम्मान किया जाएगा, किसी की विचारधारा को दबाया नहीं जा सकता, ये देश का संविधान कहता है, तो क्या आप संविधान से ऊपर हट के बात करोगे, संविधान से ऊपर काम करोगे। बाबू मैं परेशान केवल अपने समाज के लोगों से हूँ जी। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सर लोगों का कहना है कि वो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के आदेश पर, मुसलमानों के लिए नेताजी गोली नहीं चलवाए थे, नेताजी का सीधा फंडा था कि देश की कानून व्यवस्था को मैं सुरक्षित रखूंगा और देश के संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा, जिस देश के संविधान का नियम, संविधान के नियम का पालन भारत की लगभग 100 करोड़ की आबादी करती है, उसे 10-20 हजार लोग भंग करने का प्रयास करेंगे तो मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा। नेताजी का बयान ये था, अगर बयान रिकॉर्ड होगा मीडिया के पास, चैनल के पास, तो उस बयान को निकलवा करके आज भी चलवा के पूरे भारत पटल पर दिखा दें। नेताजी का आदर भारतीय जनता पार्टी करे या न करे, भारत करे या न करे, लेकिन अमेरिका के बिल क्लिंटन ने कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि अगर देश के कानून और संविधान की हिफाजत करने वाला भारत में सबसे सुदृढ़ लीडर कोई है तो मुलायम सिंह यादव है। अमेरिका से बयान आया, इंडिया टुडे में छपा था, मैं पढ़ा था, उस समय ही नेताजी को धरती पुत्र कहा गया। नेताजी अहिरे गहरे नहीं हैं, समाजवादी विचारधारा का मतलब बाबा साहब की विचारधारा को धरती पर प्रशस्त करना, समाजवादी विचारधारा का मतलब ये है, बाबा साहब चाहते थे कि पूरे भारत में समाजवादी विचारधारा की गवर्नमेंट हो, समाजवादी विचारधारा का मतलब उसमें समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, समाजवादी का मतलब कि न कोई छोटा न कोई बड़ा, सारे समाज के लोग एक समान रहेंगे और पूरे समाज के लोग, कोई अधिकार वंचित समाज नहीं रहेगा, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, समाजवादी विचारधारा कहती कि सारे लोगों का बराबर का सम्मान होना चाहिए, ऐसा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता, जिसे बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। अब इनके पास मुद्दा ही क्या है, कार सेवकों पर गोली चलवा दिए,
वहां गए क्यों? वहां जब देश का लीडर मना कर रहा है कृपया अयोध्या न आए, तो वहां क्यों गए? और एक चीज मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारत के शंकराचार्य और संतों से और बड़े लीडरों से पूछना चाहता हूं कि एक चीज का स्पष्टीकरण और दे दो कि अयोध्या से पहले वो साकेत नगरी थी। अगर वो साकेत थी तो अयोध्या किस परिस्थिति में बनी? इस चीज का भी जवाब दीजिए आप लोग। नंगई नाच करने से काम भैया नहीं चलेगा। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। फर्क ये है कि हम देश में समानता की बात करते हैं, हम देश में भाईचारा की बात करते हैं, हम देश में बंधुता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और आप लोग इस देश में 85 मूल निवासी समाज को नीचे दबा के आप लोग उनसे ऊपर रह करके और उनके ऊपर हुकूमत करने की बात करते हैं, ये सोच रखते हैं। बस फर्क यही है, हम ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं करते। आप हमें बता दीजिए सिर्फ अपने हिंदू धर्म में कि ऊंच नीच का भेदभाव है कि नहीं है? अगर हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है तो जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति को सीढ़ियों से ऊपर क्यों नहीं जाने दिया गया? कहा गया कि आप शूद्र समाज अछूत समाज से हो। राम गोविंद को विश्वनाथ मंदिर में बाबू जगजीवन प्रसाद आए थे, उस मंदिर को दूध से धुलाया गया। किस हिंदुत्व की बात करते हो यार? आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। आइए कह रहे हो कि हिंदू बहुसंख्यक, बहुसंख्यक हिंदू इसलिए है कि इस देश का SC ST OBC समाज मूर्ख है, इसलिए हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। और इस देश के लोगों को और देश के तहजीब को, यहाँ की गंगा जमुनी की तहजीब को ख़त्म करने का भैया प्रयास मत करिए। इस देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे लोगों को भारत में सम्मान से जीने का अधिकार संविधान देता है। अगर ये दिमाग में कीड़ा फंस गया है आप लोगों को कि संविधान को हटा करके इसे तोड़ करके पुनर्मनुस्मृति लाएंगे, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये समाज इतना स्वस्थ हो चुका है कि आपकी हर भाषा को समझ रहा है। और माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ कि आप जैसा लीडर इस उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री आप बने, इस देश में SC ST OBC समाज को आपने एक हैसियत में खड़ा किया। और इसी कड़ी में माननीय लालू यादव जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। अब यहाँ सुने वाले भाई ढेर कहीं अरे यही रम ये बदे इन्होंने उनका करत मा। मैं माननीय बहन जी का भी आदर करता हूँ, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई है मैं इसको खोलूँगा नहीं, बस आप समझिए बाबा साहब क्या कह करके गए थे। माननीय कांसी राम साहब जब बहुजन समाज बनाया तब उन्होंने क्या कहा था? इस सारी चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग में केवल बैठा लीजिए। आप जैसा शानदार बहन जी जैसी हुक्मरान जी को मैं सलूट करता हूँ कि जितनी शानदारी से जो प्रदेश की हुकूमत आपने चलाया है, पूरे भारत की हुकूमत उस तरीके की होनी चाहिए थी। माननीय अखिलेश भैया को, माननीय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी को, मैं सबका आदर करता हूँ, लेकिन फंस कहाँ गए आप लोग? अब इसको आप समझिए। अब इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा। जो सदा आपकी शोर काटा है वो आपकी मुक्ति नहीं कर सकता, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय बहुजन समाज, जय संविधान।